माँ बच्चे की पहली और आध्यात्मिक गुरु भी होती है। संडे को बना टॉटीला। और साथ में बनी खिचड़ी, यमी खिचड़ी। माई स्पिरिचुअल टाइम, माई आध्यात्मिक टाइम, भगवद गीता, श्रीमद भागवत और मंत्र जपा। वेलकम गाइस। तो आज है संडे मॉर्निंग, 10:10 हो गए हैं और हम बना रहे हैं अब टॉटीला। सारा काम निपटाने के बाद हम किचन में आ गए हैं और बना रहे हैं टॉटीला। ये मैक्सिकन डिश है, टॉटीला रैप, और इसके अंदर हमने डाले हैं अपने इंडियन चटनीज। तो इसका मेथड देखिए, ये हमने कैसे बनाया है, बड़ा इजी है और ये बना बहुत यमी है। वैसे तो ये मैक्सिकन टॉटीला रैप है, बट इसके अंदर हमने इंडियन चटनी डाल करके इसको मैक्सिकन इंडियन टॉटीला रैप बना दिया है। हमने इस पर लगाई सॉस, इसको देखिए, पहले तो हमने कट किया, फिर इस पर लगाई सॉस, इसको अच्छी तरह से स्प्रेड किया, और स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हमने डाली अपनी लहसुनी चटनी, क्योंकि हमारा इंडियन टच हम बनाएंगे इसको, हम मैक्सिकन टच नहीं देंगे, हम इंडियन टच बनाएंगे इसको। साइड में कुकर में बन रही है धुली मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी। एक ट्रायंगल पे रखा सॉस और लहसुनी चटनी, दूसरे ट्रायंगल पे रखा लेट्यूस, उसके ऊपर टमाटो, दो स्लाइस रखे टमाटो के, कुकर की विसल भी अब आने वाली है। और थर्ड ट्रायंगल पे रखा हमने आइसबर्ग लेट्यूस, इसके ऊपर रखेंगे अब हम अपनी हरी चटनी जो हम बनाते हैं, हरे धनिए की चटनी। चटनी रखने के बाद अब इसके ऊपर जो हमने तवे के ऊपर बनाए हैं अपने पनीर और बेल पेपर को जो सौते किया था वो रखेंगे, और फोर्थ ट्रायंगल में भी उन सभी को रख देंगे। और अब अच्छे से ये देखिए कितना सुंदर, कितना कलरफुल लग रहा है। अब एक ट्रायंगल उठाया, दूसरे के ऊपर रखा, और दूसरा ट्रायंगल उठाया, तीसरे के ऊपर रखा, और तीसरा उठा करके फोर्थ के ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैनेज करके, और अब इसको उठा करके, अब ये देखिए कितना यमी लग रहा है। अब तवे पे रख दिया, तवे पे रखने के बाद, और यहाँ इधर हमारी मशीन चल रही है, और तवे पे रखने के बाद इसको दोनों तरफ से हम सेकेंगे, और सेकने के बाद ये हमारा हो जाएगा रेडी। ये हो गया रेडी, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और देखिए मैंने टेस्ट करके देखा, सच में ये बहुत ही यम्मी है, बहुत यम्मी लग रहा है। और यहाँ इधर हमारी खिचड़ी बनके हो गई है तैयार, और ये भी हमने निकाल ली है, इसको ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया हमने, और चटनी साथ में देसी घी डाल दिया, लहसुनी चटनी और धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व किया। साथ में दही है और लस्सी भी है, प्लेन लस्सी। और यहाँ इधर ये मशीन हमारी कंप्लीट हो गई है, और ये हम जा रहे हैं अंदर बैठ करके अब खाएंगे आराम से अपना लंच, या आज टॉटीला एंड खिचड़ी। और ये यहाँ पे मशीन हमारी अब रुक गई है, बंद हो गई है, अब जाके सुखाएंगे कपड़े। और मैं 10-15 मिनट मैंने अपना रेस्ट कर लिया था, क्योंकि आज संडे है, तो रेस्ट करने में आज बहुत मज़ा आया, क्योंकि धीरे धीरे काम करके हम करे जा रहे हैं काम। और ये मैं लेकर के आई हूँ प्याज, जो 1 किलो प्याज है, तो मैंने सोचा चलो पूरे हफ्ते का काम हो जाएगा, इसको छील के रख देती हूँ, काट के रख देती हूँ। तो अपना काम सारा निपटा करके, और मैं थोड़ी सी नैप ले करके मैंने ये सारी प्याज छील दी हैं, और छीलने के बाद मैं अभी इनको स्लाइस कर रही हूँ, क्योंकि जब कभी कोई सब्ज़ी बनेगी तो फटाक से अपना बॉक्स खोला और एक मुट्ठी हमारी कटी हुई प्याज होगी, तो सब्ज़ी बनाने में ईजी रहेगा। अभी मैंने टमाटर की प्यूरी भी बनानी है, टमाटर को मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड करके, और उसको फिर कढ़ाई में सौते करूँगी, अच्छी तरह से पकाऊँगी, सौते नहीं, अच्छी तरह से पकाऊँगी, और वो मेरी एक तरह से प्यूरी हो जाएगी तैयार टमाटर की। तो अगर ये प्याज और टमाटर ये तैयार हैं तो हमारा सब कुछ सब्ज़ी बनाने ईजी हो जाता है। ये प्याज कट गई मेरी, और ये मैं रख दी है फ्रिज में। ये शाम का टाइम है सनी को पढ़ाने का, और श्रीमद् भागवत वगैरह पढ़ने का। मेरी आबरू तू ही मेरी।
जा। अब तू ये मैं सनी को प्रैक्टिस करा रही हूँ गाने की, उसने अपने फ्रेशर्स में गाना है कॉलेज में, और मैंने इसको लॉ की स्टडी भी करवा दी है, इसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो मैंने उसकी भी स्टडी करवा दी है इसको। आज मैंने इसको पढ़ा है मेंटेनेंस। हाँ वो वाला गाना गाना जो उसमें क्या को राधा कृष्ण के लिए गाते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो राधा वहाँ पर है ब्रिज खड़ी है वहाँ पर वृंदावन में, और कृष्ण जी के लिए गा रही होती है वो गाना। अच्छा जो उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ आन मिलो। हाँ आन मिलो। जब गाने का दौर चलता है तो वो फरमाइशें करता रहता है, मम्मी ये गा के सुनाओ ये गा के सुनाओ, तो मैं सुना रही हूँ। आन मिलो आन सावरे आन मिलो, आन मिलो आन मिलो आन सावरे आन मिलो, ब्रिज में अकेली राधे कोई कोई फिरे, हो राधे कोई कोई फिरे, कान्हा आन मिलो ओ आन मिलो आन मिलो आन सावरे आन मिलो। मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ ब्रह्मांड में गूंजे, गोलोक में गूंजे, और कृष्ण जी सुने और मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। जैसे मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, ऐसे ही सनी भी ठाकुर जी का भक्त है। वो बहुत ही आध्यात्मिकता की तरफ जाए जा रहे हैं और बहुत कृष्ण जी का भक्त है। भागवत में भी कहा गया है कि वो माता माता नहीं है, वो माता को माता है जो अगर अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ ना ले जाए। तो मैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संसार की चीज़ों के साथ साथ मैं अध्यात्म की तरफ भी मैं प्रेरित कर रही हूँ कि तुम चलो। मेरे तीनों बच्चे ही ठाकुर जी के भक्त हैं और अध्यात्म की तरफ भी उनका बहुत झुकाव है। और जो बड़ी वाली बेटी है निधि, उसने तो अर्णव को भी इस तरफ झुकाव कर दिया है। वो स्कूल भी जाने लगा है और साथ साथ अध्यात्म की तरफ भी उसको प्रेरित करती है वो। तो मैं तो धन्य हो गई कि मेरे तीनों बच्चे अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, कृष्ण मार्ग पर जा रहे हैं, और साथ में मेरा देवता भी। सनी को इतना आनंद आ रहा था, वो बार बार कह रहा था मम्मी वो गाओ, ये वाला गाना गाओ, वो वाला गाना गाओ। और हम गाए जा रहे थे सारे ही ठाकुर जी के भजन थे। एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था ऐ मेरे प्यारे वतन, और बाकी ठाकुर जी के भजन। मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मेरे तीनों बच्चों को मैंने अच्छी गाइडेंस दी है। मैं एक अच्छी टीचर हूँ, इसीलिए कहते हैं जो माँ होती है वो पहली गुरु भी होती है और आध्यात्मिक गुरु भी होती है। माँ ही होती है जो बच्चों को प्रेरित कर सकती है कि तुम आध्यात्मिक की तरफ चलो। भौतिकवादिक में तो सभी फंसे पड़े हैं, भौतिकवाद से उठ करके कृष्ण जी की भक्ति में जाओ, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, यही सिखाती हूँ इनको। तो वो मेरे को बोले जा रहे कि मम्मी ये वाला सुनाओ ये वाला सुनाओ, तो मैं उसको सुनाई जा रही हूँ। और बीच बीच में हमारी हंसी मजाक भी चल रही है, नहीं इस तरीके से नहीं, नहीं उस तरीके से नहीं, नहीं ये आपने गलत गाया, नहीं ये ठीक है, ऐसे। आज तो बस मजा ही आ रहा था भजन गा गा करके। जैसे सनी लॉ का स्टूडेंट है तो मैं उसको लॉ से रिलेटेड बता रही हूँ उसका सिलेबस जो है सेक्शन 125 CRPC मेंटेनेंस। सेक्शन 125 पता चल गया ना, मेंटेनेंस वाइफ के लिए भी होती है, मदर के लिए भी होती है, एंड जो माइनर बच्चा होता है उसके लिए भी होती है, माइनर चाइल्ड के लिए भी होती है, एंड साथ में जो वो होता है इलेजिटिमेट जो चाइल्ड होता है ना उसके लिए भी होती है। अगर इफ ही इज अ इलेजिटिमेट चाइल्ड और बिलो 14 तो उसकी भी वो होता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि हस्बैंड वाइफ दोनों के, जैसे सनी लॉ का स्टूडेंट है तो उसकी लॉ की पढ़ाई सारी मैं ही करवा रही हूँ, मैं ही नोट्स लिख करके इसको देती हूँ और पढ़ाती भी मैं ही हूँ। तो वो बड़ा खुश होता है कि मम्मी आप तो बहुत अच्छी टीचर भी हो, इतने अच्छी एडवोकेट भी हो, टीचर भी हो, मम्मी भी हो, कुक भी हो, आप तो ऑलराउंडर हो, इतने अच्छे अच्छे आप नोट्स बना के देते हो। और मेथड मैंने उसको सिखा रखा है किस तरीके से तुमने क्वेश्चन पेपर आंसर शीट कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, वो सारा इसको मैं बताती हूँ। तो बड़ा खुश होता है कि मम्मी आपने तो बहुत ईजी वे में मेरे को पढ़ा दिया, इतने टफ टफ सब्जेक्ट हैं लेकिन आपने बिल्कुल ही ईजी कर दिया सब कुछ। आज संडे हमारा बड़े मज़े से बीता।
और वो कह रहा है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, कुछ करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और आप इतने अपना भागवत वगैरह पढ़ लो। कह रहे अब चलो आप पढ़ लो अपना भागवत गीता, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। बस सनी चला गया अब अपने रूम में और मैं पढ़ूंगी अब अपनी भागवत गीता। तो गाइस मैंने सनी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी है, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है ए मेरे प्यारे वतन, तो उसकी प्रैक्टिस मैं करवा रही थी। उसने अपने फ्रेशर में गाना है कॉलेज में, और अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगी श्रीमद् भागवत और भगवद गीता और अपनी जपमाला करूंगी। उससे पहले मैं आपको, जैसे हम गपशप करते हैं या हम कोई केस से रिलेटेड बात करते हैं या हम मैं अपना कुछ अपने इंसिडेंट्स बताती हूँ, कुछ भी जो भी हम कुछ करते हैं, तो हमारा ये जो टाइम होता है इस टाइम में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अभी सनी के सिलेबस में आ रहे, सनी भी लॉ कर रहे थे तो मैं इसको पढ़ा रही थी, तो उसमें एक आया है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस होता है सेक्शन 125, और जो मतलब जो लड़कियां हैं जो अपने पति के साथ नहीं रहती और जिनको जिनके पति ने छोड़ दिया है, तो वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं गुजारा भत्ते का। और इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारे 25% मिलता है लड़की को, अगर तुम्हारे हस्बैंड 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं तो 25,000 तुम्हारे, ठीक है। तो अगर तुम तुम्हें घर से निकाल दिया है या तुम अलग रह रही हो और तुम्हारा पति बहुत अच्छा कमा रहा है, तो तुम उसको मेंटेनेंस का दावा कर सकती हो, ठीक है। गो टू द कोर्ट, फाइल करो केस 125, बताओ अपने एडवोकेट को कि सर हमने तो मेंटेनेंस का केस फाइल करना है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसमें मेंटेनेंस के केस में क्या होता है कि अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर वो 14 ईयर्स के बिलो है, माइनर है, तो उसके लिए भी मिलेगा, और अगर तुम जो तुम नहीं कमाती तो तुम्हारे लिए तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी माताजी हैं, अगर लड़की की माताजी हैं और लड़के ने अपनी माताजी को अलग कर दिया या कुछ भी कर दिया और उसको मतलब खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, शेल्टर नहीं मिल रहा, तो वो माताजी भी अधिकारी हैं मेंटेनेंस पाने की। मतलब कि अगर आप मेंटेनेंस लेना चाहते हैं अपने पति से, तो तुम्हारी सास भी अधिकारी है अपने बेटे से मेंटेनेंस लेने के लिए, ठीक है। ये तो होगी क्लियर बात। माइनर की भी है, माइनर भी ले सकता है बिलो 14 एज। अब आती है इलेजिटिमेट चाइल्ड की। अगर आपका पति का कहीं बाहर अफेयर है, उसका कोई बच्चा है, तो बी वेयर, वो लड़का भी हकदार है मेंटेनेंस लेने का, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 125 मेंटेनेंस एक्ट में। तो इसी तरीके से ही जो बॉयज हैं वो भी ले सकते हैं मेंटेनेंस अपनी वाइफ से, अगर उनकी वाइफ अर्निंग है, उनकी वाइफ अगर अर्निंग है और वो चाहती है कि भाई मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और पति जो है वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो लड़का भी दावा कर सकता है मेंटेनेंस का। ये क्लियर रख लेना अपने दिमाग में कि अगर कोई वर्किंग लेडी है और उसका पति निठल्ला निकम्मा घर में बैठा है, तो वो पति कोर्ट में जाकर के मेंटेनेंस का फाइल कर सकता है केस को और तुमसे ले सकता है। तो आज तक की मेरी शिक्षा यहीं तक। तो ऐसे ही एक केस आया था मेरे पास, और वो यहाँ से कम 150 किलोमीटर्स वो लड़की रहती है, और वो टीचर है और उसका पति निठल्ला है, बिल्कुल निकम्मा है, और वो कहती है कि भाई मुझे इससे डिवोर्स चाहिए या कुछ चाहिए, और भाई मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ना कुछ काम करता है ना कुछ करता है, बस घर में पड़ा रहता है। और तो वो मेरे को कहती मैम आप ही मेरा केस लीजिए। अब ये बताइए कि मैं इतना 100-150 किलोमीटर जाकर के मैं उसका केस लूँगी, तो मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मैंने कहा देखो मैं तो इतनी दूर नहीं आ सकती, अगर आप यहाँ आ सकती हैं तो वो यहाँ पे भी नहीं आ सकती, ना तो उसकी यहाँ पे ससुराल है, ना यहाँ पे वो वर्किंग है, और ना उसका मायका है यहाँ पे इधर, तो ये अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन होती है। लेकिन उनकी जहाँ वो जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, या तो उनका मायका हो, या तो उनका ससुराल हो, या उनका वर्किंग प्लेस हो, इन तीनों जगह पर अगर है वो, तो इनकी ज्यूरिसडिक्शन वहां की बन सकती है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब उस जगह वो केस अपना दर्ज करा सकते हैं। हमारा तो क्या है, हम तो कहीं भी जाके केस लड़ सकते हैं, बट मेरे को इतनी दूर पड़ेगा, मेरे लिए तो एक्सपेंसिव हो जाएगा बहुत ज्यादा। हालांकि वो देने को सब कुछ तैयार है, बट लेकिन एग्जॉस्ट मैं हो जाऊंगी, और जो मेरे को नहीं, मैंने उसको एडवाइस दी कि भाई तुम ऐसे से करो, और साथ में मैंने उसको बिहेवियर किया कि देखो अगर तुम वर्किंग हो, तुम टीचर हो,
तो वो प्राइमरी क्लास की टीचर हैं, और अगर तुम्हारे हस्बैंड काम नहीं करते तो तुम्हारे हस्बैंड हकदार हैं मेंटेनेंस लेने के, ध्यान रखना इस चीज का। अगर तुम डाइवोर्स लेने को तैयार हो तो वो भी तैयार होगा, वो भी तुमसे मेंटेनेंस मांगेगा, फिर तो उसकी सैलरी का तुम्हें 25% उसको देना पड़ेगा। अब टाइम है भागवत गीता पढ़ने का, श्रीमद् भागवतम और जप माला करने का। चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता। इतना आनंद आता है जप माला करने में, भगवद गीता पढ़ने में, श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, बहुत आनंद आता है। मैं इसमें इतनी डूब जाती हूँ कि बस मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि कृष्ण जी के ध्यान में, कृष्ण जी के चरणों में बस लीन हो गई हूँ मैं। मैं तो आप सभी से, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम, पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता, पढ़िए जप माला कीजिए, कृष्ण जी के चरणों में जाइए, कृष्ण जी के शरण में जाइए। भौतिक सुख में कुछ नहीं रखा, जो सुख है वो सारा कृष्ण जी के चरणों में है। उनको अर्पण कर दीजिए अपना आप को, और देखिए आप कि आप कितने मस्त हो जाएंगे, कितने सुखी हो जाएंगे, कितना तेज आ जाएगा आपके फेस पर। मैंने तो ये अपना नियम बनाया हुआ है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बस पढ़ने बैठ जाती हूँ। अब ये है अध्याय 9, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। शील सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। भीष्म देव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र प्रयाण करने वाले हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में। ये वो प्रसंग था जब भीष्म अपने प्राण त्याग करने वाले थे, क्योंकि उनको स्वेच्छा से, उनको वरदान मिला था अपने पिताजी से कि वो प्राण त्याग अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो वो प्रयाण करने वाले थे, प्राण त्यागने वाले थे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर से कि इनसे तुम ज्ञान लो। तो ऐसे ऐसे मार्मिक विषय हैं इसके अंदर, श्रीमद् भागवत के अंदर, कि इनको पढ़ कर कितना भाव विहोर हो जाते हैं। ये तो अभी प्रथम स्कंद है मेरा, फर्स्ट कैंटो, और आगे आगे देखिए आगे के कितने इंटरेस्टिंग इसमें आएंगे अध्याय। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होते हैं। युधिष्ठिर ने चाहते थे कि अगर कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज ये जो मैं बोल रही हूँ श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जरूर सुने। कम से कम आपके दिमाग, आपके कानों में कुछ तो पड़ेगा, कुछ पड़ेगा। हो सकता है शायद आप में जागरूकता आए और आप कृष्ण की भक्ति में लग जाएं, जुट जाएं। स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ ली है, अब टाइम है चैंटिंग करने का। मैं चैंटिंग करूँगी। मॉर्निंग में मैंने एक माला कर ली थी, अब मैं दूसरी माला करूँगी। अब जो शुद्ध भक्त है उसको तो 16 माला करनी चाहिए एक दिन के अंदर, लेकिन हम इतना नहीं कर पाते। तो मैं कम से कम एक माला या दो माला, कई बार तो मैं 4 माला भी कर लेती हूँ, 6-7 भी कर लेती हूँ, बट मैंने आज तक अभी 16 माला नहीं की है। जिस दिन मैं 16 माला करने लग जाऊँगी उस दिन तो शायद, बस पता नहीं कौन सा दिन आएगा वो जब मैं 16 माला करूँगी। तो अब मैंने ये माला कंप्लीट कर ली है, एक माला मेरी हो गई है। पता नहीं मैं 16 माला कब करूँगी, ठाकुर जी मुझ पर कब कृपा करेंगे कि मैं 16 माला कंप्लीट करूँ एक दिन के अंदर। चलो कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब मैं 16 माला भी
करूंगी। तो गाइस मैंने अपनी अपनी भागवत पढ़ ली है, अपनी भागवत गीता पढ़ ली है, श्रीमद् भागवतम पढ़ ली है, जपा कर लिया है और सनी को भी पढ़ा दिया है। सनी को जो मैंने आपको अभी बताया था सेक्शन 125 वो बता दिया है उसको मैंने, और बस अपना ये वीडियो मैं यही बंद करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको जो मेरी नॉलेज है जो मैं देती हूँ आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।